मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों और यह वीडियो देखने वालों को नमस्कार। अभी कल पूरे दिन ट्विटर पर एक हैशटैग बहुत जमकर चला, सेव दलित्स इन यूपी। और देश भर से, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश भर से ऐसी घटनाएं आती रहती हैं जिस पर दलितों पर, जिन खबरों में दलितों पर अत्याचार की खबरें आती हैं, शोषण की खबरें आती हैं, बहुत उनके साथ अन्याय होता है। और ये खबरें उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के लगभग हर राज्य से, हर जिले से आ जाती है। और इसे दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप समाज में किसी को भी एक कहे कि जाति आधार पर उसको नीचे देख रहे हैं, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, शोषित कर रहे हैं, तो ये राज्य व्यवस्था के लिए लिहाज से बहुत खराब है। और उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ढेर सारी घटनाएं, दलितों का घर फूंकने, दलितों के साथ अत्याचार, इस तरह की खबरें आती रहती हैं। अब जब ये खबरें आती हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि आखिर क्या हुआ होगा। तो तुरंत जो हमारी प्रचलित मान्यताएं हैं उसमें वो आती हैं कि किसी सवर्ण ने दलित का घर फूंक दिया होगा, किसी सवर्ण ने दलित को परेशान किया होगा, और इस मान्यता के आधार पर ही हम अपनी धारणा पक्की कर लेते हैं। अभी मंगलवार को एक तरह से कहें कि जब ये ट्विटर का हैशटैग वगैरह सब चल रहा था, सेव दलित इन यूपी, तो दलितों के खिलाफ अत्याचार की एक बहुत बड़ी घटना हुई है। कहां? उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। और दलितों का घर जला दिया गया। आप ये जो अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से दलितों का घर, गांव में जो उनका घर था, उसको जला दिया गया है। अब सोचिए जब ये घर इस तरह से जले हैं तो उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुआ होगा। और दुर्भाग्य ये रहा कि जो ये पूरा घटनाक्रम है उसमें कहीं भी, जब सेव दलित सिंह यूपी चल रहा था, तो उसमें कहीं भी दलितों के ऊपर हुए इस अत्याचार की खबर नहीं थी। अब क्यों नहीं थी? तो मैंने ये खबर देखना शुरू किया और मुझे लगा कि बिल्कुल योगी सरकार को इस मामले में कतई कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। और कोई भी हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, दलित भी हो, और अगर इस तरह से, जिस तरह से घर जले हुए दिख रहे हैं, तो ये भयावहता दिखाता है कि हुआ क्या होगा। फिर मैंने जब वो खबर देखी तो पता चला कि जो सराय ख्वाजा थाना है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का सराय ख्वाजा थाना, वहां भदेठी गांव है। अब वहां बच्चों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ था, दलित के बच्चे थे और मुसलमान के बच्चे थे। अब वो झगड़ा शुरू हुआ और उस झगड़े ने बहुत भीषण रूप ले लिया और उसमें मारपीट हुई, लेकिन उसके बाद लगा कि चलो झगड़ा सब हो गया है, सब ने समझाया और उस बातचीत को वहीं रोक दिया गया। जो कहें कि गांव प्रधान के पति आफताब उर्फ हिटलर, उन्होंने समझा बुझाकर सारा मामला शांत कर दिया है, जो अखबार की खबर है। लेकिन ये जो शांति थी ये फौरी तौर पर थी, ये जो शांति थी ये सिर्फ देखने कहने भर की थी। और असल में क्या हुआ कि उस समझौते के बाद लोग माने नहीं और रात में जो अनुसूचित जाति की बस्ती थी उस पर जो मुस्लिम घरों के लोग थे, जो दिन में भी मारपीट हुई थी और इसके बाद मामला सुलझ गया था, जो ग्राम प्रधान के पति हैं आफताब, उन्होंने समझा दिया था, बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन लोग माने नहीं और रात को ये किया जो आपको दिख रहा है, दलितों की बस्ती जला दी, उनके घर फूंक दिए और मतलब बुरी तरह से, इसमें ढेर सारे लोग घायल हुए हैं और जो कहे कि एक दर्जन से अधिक जो घर थे, जिसमें छपरी मड़ई जो भी कह लीजिए, एक दर्जन से अधिक वो जला दिए गए। और इसके बाद ओहो, तीन बकरियां और एक भैंस भी इसमें जिंदा जल गई हैं। ये बहुत, मतलब बहुत ही, जिसको कहते हैं कि इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता ये जो अपराध किया। पहली बात तो आप, बच्चों की मारपीट हो गई, बच्चों के बीच के झगड़े को आपने इस तरह से कर दिया, ग्राम प्रधान पति ने समझाया,
समझा के मामला शांत करा। ये सब मैं जो रिपोर्ट्स में देख रहा हूं उसके आधार पे कह रहा हूं मैं, और अगर आप में से किसी के पास और करेक्ट रिपोर्ट है तो मुझे बताइए, वो भी मैं शामिल कर लूंगा। लेकिन उसके बाद ये लोग जो गए और जिन्होंने योजनाबद्ध तरीके से दलितों का घर फूंक दिया, उनके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से जो सेव दलित सिंह यूपी चलाने वाले लोग थे, उन्होंने किसी ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि इसमें कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत, कोई भी सवर्ण नहीं मिला, या इवन पिछड़ा भी नहीं मिला कि कह देते कि पिछड़े और दलित के बीच में झगड़ा हो गया, वो नहीं मिला। तो इन्होंने इस पे बात नहीं की। और यही मैं बार बार कहता हूं कि ये जो फर्जी सेकुलरिज्म है, इसी ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। अब योगी आदित्यनाथ सरकार, जिनसे हम उम्मीद कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा वहां जो वाराणसी मंडल के आयुक्त हैं वो गए थे कल दोपहर, दीपक अग्रवाल, आईजी विजय सिंह मीणा भी गए थे, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की उन्होंने बात की। अभी जो खबर आ रही है, जो मुख्य आरोपी हैं नूर आलम और जावेद सिद्दीकी, और इनके साथ जो आरोपी हैं, इन सभी पर उत्तर प्रदेश सरकार रासुका लगा रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, मुझे इसी की उम्मीद थी। और जो जिनका घर जल गया, जिनकी छपरी मड़ई जल गई, जिन अनुसूचित जाति जनजाति जाति के लोगों का दलितों का घर फूंक दिया गया, उनको घर दिया जाए, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। डीएम जौनपुर ने यह आश्वासन दिया है कि वो होगा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ये कहा। अब आप इसको संदर्भों के साथ समझिए, और मैं बहुत बार बार पहले से कहता रहा हूं कि यही करने की जरूरत है। लोकतंत्र में सरकारों का काम यही है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, कोई भी जाति संप्रदाय नहीं देखना चाहिए। जिसने अपराध किया है, अपराध के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, और उसमें यह मत देखिए कि वो हिंदू है, मुसलमान है, अगड़ा है, पिछड़ा है। और मैं तो कहता हूं कि अगर दलित भी कोई जो है वो एससी है या एसटी है और उसने कोई अपराध किया है, तो उसको इस वजह से नहीं छोड़ देना है। लेकिन देश भर में जो दलितों के खिलाफ मामले होते हैं, उसमें भी अगर आप जाति सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करके देखते हैं, तो बहुत गलत नजरिया है आपका। आप समाज को विभाजित कर रहे हैं, आप भड़काऊ काम कर रहे हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ऐसे मामलों में स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए कि अपराधी कौन है। आप उसको, ठीक है, मैं बार बार कहता हूं, इसका एक का दोष दूसरे के ऊपर नहीं जाएगा। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे कि किसी एक दलित पर कोई अगड़ा या कोई पिछड़ा हिंदू वो अत्याचार करे, तो सभी अगड़े और पिछड़े हिंदू उसके दोषी नहीं हो गए। वैसे ही ये जो जिनके ऊपर जावेद सिद्दीकी और नूर आलम जिनके ऊपर रासुका लगा है, तो सारे मुसलमान दोषी नहीं हो गए। आखिर खबर आ रही है ना कि प्रधानपति ने कोशिश की समझाने की, मामला शांत करने की कोशिश की, वो भी वही थे। तो इसलिए हमें जो अपराधी है, जहां अपराधी है, उसको वहीं पकड़ना है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना, ये लोक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी है। ये मुख्यमंत्री, पुलिस प्रशासन, उनकी जिम्मेदारी है। और अच्छा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द सभी जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, अगर उनके उनमें से जो साबित होते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और दोबारा कोई इस तरह की हरकत नहीं कर सके। और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि जो छद्म दलित चिंतक हैं, जो खोजते रहते हैं कि नहीं नहीं उसके लिए कोई अगड़ा पिछड़ा हिंदू चाहिए जिससे वो लड़ा सके, जाति विभाजन कर सके, उसमें हिंदू मुसलमान मत देखिए भाई, ये विभाजन मत कीजिए, जाति सांप्रदायिक विभाजन मत कीजिए। जो जहां गलत कर रहा है उसको वहीं पकड़कर उसको सजा दिलाने की कोशिश कीजिए, जो इस मामले में हो रही है। अगर ऐसा होगा तभी हम शायद मूल समस्या के समाधान की तरफ बढ़ सकेंगे, क्योंकि दलितों पर अत्याचार की खबरें देश के अलग अलग हिस्सों से हमेशा आती रहती हैं, और उसको अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुसलमान इसकी बजाय जिसने भी किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसका समाधान निकाला जा सकता है, तभी यह व्यवस्था ठीक हो पाएगी। अगर आपको भी लगता है कि ये ठीक है तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। सब्सक्राइबर आप नहीं है, मेरे सामाजिक परिवार का हिस्सा नहीं है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी भी दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।